Hello students, myself Bhupen Singh and today I am present with chapter number 11, Area and its Boundary, class 5th, okay. So today in this lecture we have to try to understand about the area and the boundary of the shapes, okay. अगर हम shapes की बात करें तो हम किसी भी shape का area और boundary find out कर सकते हैं, ठीक है. तो अभी हम कुछ जो इरेगुलर शेप्स होती हैं उसके बारे में बताते हैं, फिर कुछ रेगुलर शेप जिसको हम स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में उसके बारे में बात करेंगे, ओके. तो अभी हम बात करते हैं कि सपोज हमें किसी भी शेप का अगर बाउंड्री फाइंड आउट करनी हो, एरिया फाइंड आउट करना तो थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन हम किसी भी शेप की बाउंड्री फाइंड आउट ईजिली कर सकते हैं, ठीक है. उसके बाद हम जो पर्टिकुलर शेप्स हैं, जैसे हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर है, उसी के बाद फिर सेम दोनों के लिए हम रेक्टेंगल के लिए भी स्टडी करेंगे. यानी हम इस चैप्टर में एरिया और बाउंड्री, इट मीन्स एरिया एंड पेरीमीटर को स्टडी करने वाले हैं, बट सिर्फ स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के लिए, ठीक है. क्लियर है, ओके. तो अभी हम बात करते हैं व्हाट इज द एरिया एंड व्हाट इज द बाउंड्री. क्या है एरिया, कैसे क्या होता है एरिया, क्या होता है और बाउंड्री क्या चीज होती है, ठीक है. क्लियर है, तो हम बात करते हैं. अब इधर मैंने लिख रखा है एरिया, इधर मैंने लिख रखा है बाउंड्री. दिस इज द एरिया. तो मैं इधर एक शेप बना लेता हूं, ठीक है. इधर भी मैंने ले लिया, दिस इज द स्क्वायर शेप्ड गार्डन, स्क्वायर शेप गार्डन. दिस इज अ स्क्वायर गार्डन, दिस इज ऑल्सो अ स्क्वायर गार्डन. तो अगर हमें, ठीक है, एरिया की अगर हम बात करें तो दिस पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या रहेगा इसका, दिस इज द एरिया. इट मीन्स स्पेस ऑक्यूपाई बाय इट्स साइड्स. तो इसकी साइड्स है, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेथ है, उसने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है दैट इज द एरिया, ओके. एंड ये इसकी अगर बाउंड्री की बात करें तो इट मींस लेंथ ऑफ द साइड, ये वाली जो लेंथ है इसका अगर हम सम कर लें तो हम क्या है जो है वो बाउंड्री को फाइंड आउट कर सकते हैं. ऑल साइड्स का अगर हम सम करें, दिस दीज ओनली, ठीक है, इनको प्लस कर लें तो हम बाउंड्री को फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर हम अदर वर्ड्स में समझें इसको तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सपोज कोई भी फील्ड है, कोई भी फील्ड है, एनी फील्ड, और अगर हम उस फील्ड की बाउंड्री के बारे में पता लगाएं तो हम उसके चारों तरफ जाकर, ठीक है, चारों तरफ जाकर, जैसे ये फील्ड है इसके चारों तरफ जाकर, चारों तरफ ऐसे राउंड लगा लें तो वो मींस वो क्या है, वो उसकी बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है. और अगर हम उसी फील्ड पर सपोज हमने क्या किया, इधर बहुत गंदगी हो रही थी, फील्ड बहुत गंदा हो रहा था, ग्रीनिश पे बहुत ज़्यादा ड्राई लीव्स और ड्राई ट्विंग्स वगैरह इकट्ठी हो रही थी. तो अगर हम इस पोर्शन को झाड़ू से साफ कर दें, ऐसे मान सकते हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में अगर हम ऐसे समझ लें, अगर हम इस गार्डन को झाड़ू से साफ कर दें तो जिस पोर्शन पर हम झाड़ू लगाने वाले हैं डेट इज द एरिया. यानी वो स्पेस जो है वो उसकी लेंथ ब्रेथ या फिर जो उसकी साइड्स है उसने ऑक्यूपाई कर रखा है, तो अंदर का जो ऑक्यूपाई स्पेस है, ठीक है, वो उसका एरिया हो जाएगा और जो उसकी साइड की लेंथ है वो उसकी बाउंड्री हो जाएगी. क्लियर है, आई होप समझ आ गया होगा, ठीक है. तो ये हम एरिया और बाउंड्री इस चैप्टर में सीखेंगे. और जो हमारे पास शेप्स रहेंगी वो टू टाइप की शेप्स रहेंगी, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल. तो हम इन्हीं टू टाइप्स की शेप्स के बारे में बात करेंगे. तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं, मैं एक बार आपको बुक दिखा देता हूँ, ये हमारा चैप्टर है, ठीक है. मैं थोड़ा इस बुक से भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बाकी कुछ अपने पास से भी आपको डिटेल दूंगा ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए. तो इसमें क्या है, इसमें दो स्लाइस लिए गए हैं. सबसे पहले आता है हूज स्लाइस इज बिगर, हूज स्लाइस इज बिगर, इसका स्लाइस बड़ा है, ठीक है. तो कैसे पता लगाना है, सपोज एक स्लाइस हमारे पास ये है, ठीक है, और दूसरा स्लाइस जो सेकंड स्लाइस है वो हमारा ये है, ये हमारा 11 है, ठीक है, और दिस इज 3 सेंटीमीटर, दिस इज पीस बी एंड दिस इज पीस ए, एंड द लेंथ ऑफ द पीस इज 6 सेंटीमीटर एंड द ब्रेथ इज 5 सेंटीमीटर. द फर्स्ट क्वेश्चन इज
this is the piece of part and this is the piece of beginning. So we have to find whose figure is bigger, whose slice is bigger, किसका slice जो है वो बड़ा है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें इन दोनों shapes का area find out करना पड़ेगा. और area find out करने के बाद जिसका भी area ज़्यादा आएगा, चाहे वो part का हो, चाहे वो beginning का हो, चाहे वो A shape का हो, चाहे वो B shape का हो, वो shape क्या है, वो shape बड़ी हो जाएगी. इट मीन्स जो चीज़ें जिनका एरिया ज़्यादा होता है, ठीक है, इट मीन्स वो ज़्यादा एरिया कवर करती हैं तो वो बड़ी भी होती हैं साइज में. तो वही क्या है, इस शेप का एरिया निकालते हैं स्लाइस का और इस वाले स्लाइस का निकालते हैं. ठीक है, तो हम एक दूसरा तरीका भी हमारे पास है, हम चाहें तो देखिए ये जो शेप है ये आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर शेप एंड दिस इज आल्सो रेक्टेंगुलर, दोनों ही रेक्टेंगुलर है. तो हम जो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है उससे हम इन दोनों का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. बट हमारे पास एक और तरीका है. ठीक है, वो तरीका क्या है, हम एक और तरीके से भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा जो शेप है, कौन सा जो स्लाइस है वो बड़ा है. जैसे सपोज हम एक स्क्वायर ले लेंगे, इसकी साइड 1 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी इसका एरिया भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा. ठीक है, और हम क्या करें, ये जो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया का या फिर 1 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर हमने लिया हुआ है स्मॉल, हम इसको अरेंज कर देंगे इस शेप में भी और इस शेप में भी, जो मेथड यहाँ हमारा बुक में गिवन है. तो हम क्या करें, 6 स्क्वायर हमने इधर अरेंज कर दिए, 1, तो हम ये 1 सेंटीमीटर साइड के, ठीक है, 1 सेंटीमीटर साइड है इसकी, 1 सेंटीमीटर साइड के 6 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ एंड 5 स्क्वायर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स ब्रेथ. ठीक है, इस टाइप से हम अगर हम ये स्क्वायर्स इस पूरी शेप में अरेंज कर लें तो भी हम इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हो जाएंगे, 6 5 30 स्क्वायर्स हो जाएंगे. ठीक है, और ये जो 30 स्क्वायर्स इधर हो जाएंगे और इधर कितने आ जाएंगे, 11 हमने इधर अरेंज किए, 3 हमने इधर अरेंज किए, तो 11 × 3 कर दिया. ठीक है, तो 33 स्क्वायर्स इधर आ जाएंगे. तो इसका जो एरिया है, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर साइड का स्क्वायर है, इसलिए इसका एरिया भी कितना हो जाएगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो ये 33 स्क्वायर है, इनका एरिया कितना हो जाएगा, 33 स्क्वायर सेंटीमीटर. ठीक है, और इसका कितना हो जाएगा, 30 स्क्वायर सेंटीमीटर. तो जिसका एरिया ज्यादा है, ठीक है, स्लाइस बी हैज बिगर एरिया, इट मीन स्लाइस बी हैज बिगर स्लाइस, जो स्लाइस बी है वो बड़ा स्लाइस है बिकॉज ऑफ इट्स एरिया, क्योंकि इसका एरिया भी ज्यादा है, तो दैट इज व्हाई दिस इज द बिगर स्लाइस. ओके, देन स्लाइस ए. एक तो ये तरीका हो गया जो हमारा बुक में गिवन है. ठीक है, बट जनरली क्या है, हम कौन सा तरीका यूज करते हैं, हम उसकी बात करने वाले हैं. तो ये हमारा था जो हमने अभी आपको बताया था. तो इसके लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, फिर हम उसका आंसर भी प्रॉपर आपको बताएंगे. तो स्टार्टिंग करते हैं हम. सजेस्ट सम वेज टू फाइंड आउट हूज piece is bigger. ठीक है, और इन्होंने बोला है डिस्कस भी करना है, डिस्कस करना है. ठीक है, तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया, I told you कि सबसे अच्छा जो तरीका है, वैसे तो वो हमारा क्या है, फॉर्मूले का यूज करके हम एरिया फाइंड आउट करें, बिकॉज बोथ वर दोनों ही क्या थे, रेक्टेंगल थे, तो वी कैन यूज अ एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला फॉर्मूला. बट यहाँ अकॉर्डिंग टू बुक हम क्या कर सकते हैं, वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स, वन वे यूजिंग स्मॉल स्क्वायर्स. ठीक है, स्क्वायर क्या कर सकते हैं, स्मॉल स्क्वायर का यूज करके उस स्मॉल स्क्वायर को शेप में अरेंज करके हम ये पता लगा सकते हैं कि किसमें नंबर ऑफ स्क्वायर ज़्यादा अरेंज हो रहे हैं. जिसमें ज़्यादा अरेंज हो रहे हैं डेफिनेटली उसका एरिया भी ज़्यादा होगा और वही पीस जो है वो बड़ा हो जाएगा. ठीक है, फिर आता है हाउ मेनी स्क्वायर्स कैन बी अरेंज ऑन इट, कितने स्क्वायर्स हम इसमें अरेंज कर सकते हैं.
Number two, how many squares? How many squares can be arranged कितने अरेंज कर सकते हैं? हम सिर्फ पीस ए की बात कर रहे हैं, ठीक है? यहां पर हम पीस ए की बात कर रहे हैं। तो पीस ए जो था वो 6 सेंटीमीटर उसकी लेंथ थी, देन 6 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स लेंथ। इट मीन्स 6 स्क्वायर्स जिसकी साइड ईच साइड 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, उसको हम अरेंज कर सकते हैं। 6 स्क्वायर्स को अरेंज कर सकते हैं अलोंग इट्स लेंथ एंड 5 स्क्वायर्स बिकॉज ब्रेथ इज 5, सो 5 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर या फिर 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड 5 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज्ड अलोंग इट्स ब्रेथ, ठीक है? इसकी ब्रेथ के अलोंग कितने कर सकते हैं? 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 6 × 5, 6 × 5 इट मीन्स 30 स्क्वायर्स टोटल हम इस शेप के अंदर, इट मीन्स पीस ए के अंदर हम 30 स्क्वायर्स को अरेंज कर सकते हैं। बिकॉज एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इज 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन एरिया ऑफ द पीस A equals to 30 square centimeter। अब ये किसका एरिया आ गया? ये पीस A का आ गया। पीस B की बात करें अगर हम, ठीक है, ये पीस A के लिए था, अब पीस B की बात करते हैं, ठीक है? मैंने लिख दिया एरिया ऑफ पीस A। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट और नेक्स्ट की बात करते हैं। तो बता नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एरिया ऑफ पीस ए? कितना हो जाएगा उसका एरिया? कितना एरिया हो जाएगा? एरिया ऑफ पीस ए, एरिया ऑफ पीस ए इज 30 square centimeter, ठीक है? ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में दिखा दिया कि कैसे करना है। 6 × 5 किया मैंने और ये 30 आ गया। क्लियर? आई होप समझ आ गया, ठीक है? तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि, ठीक है, अब हम प्रॉपर क्वेश्चंस को करने वाले हैं। अभी जो था ये स्टार्टिंग है चैप्टर की, ठीक है, फर्स्ट पेज पर ये दे दिया रखा है लोगों के लिए। इसका 30 आया है, अगर हम पीस बी का निकालेंगे तो हम पीस बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उसको भी आपको करके बता रहा हूँ, ठीक है?
पीस बी का कैसे निकालते हैं। देखिए पीस बी में आपके लिए ऐसे ही समझाने के लिए निकालता हूँ, एरिया ऑफ पीस बी इक्वल्स टू, अब 11 सेंटीमीटर की साइड है तो 11 स्क्वायर्स कैन बी अरेंज अलोंग इट्स लेंथ 11 एंड 3 स्क्वायर्स ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर कैन बी अरेंज अलोंग इट्स ब्रेथ, कितने हो जाएंगे 33 स्क्वायर्स को हम इस पूरे रेक्टेंगल शेप में एंड पूरे पीस बी में अरेंज कर सकते हैं, इट मींस इसका एरिया भी कितना हो जाएगा 33। तो हुज फिगर इज बिगर, जो फिगर हु स्लाइस इज बिगर, जो जिसके पास बी स्लाइस है, ठीक है, बी स्लाइस जो है वो उसका एरिया जो कैसा है ज्यादा है, तो इट मींस स्लाइस बी इज बिगर देन स्लाइस ए, स्लाइस बी जो है वो स्लाइस ए से बड़ा हो जाएगा। क्लियर है, हम चाहें तो फॉर्मूले से भी डायरेक्ट कर सकते थे। आप देखिए फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो अभी मैं आपको दो फॉर्मूला भी समझा देता हूँ, ठीक है। अगर हम डायरेक्टली फॉर्मूले का यूज करें तो हम कितना इजीली इसको समझ सकते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल में क्यों ले रहा हूँ, उसकी जो शेप है जो स्लाइस की शेप है वो रेक्टेंगल शेप में ही है, ठीक है। उसमें ऑपोजिट साइड कैसी है, इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, तब रेक्टेंगल होता है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड इसमें भी इक्वल दे रखी है तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला यूज भी कर सकते हैं, फॉर्मूला इज एल इंटू बी मीन्स लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दें तो हम रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। अब लेंथ कितनी थी उसकी 6, ठीक है, एंड ब्रेथ इज 5 कुछ और फॉर्मूले आपको बता देता हूँ, जैसे ये हमारा रेक्टेंगल का एरिया हो गया, अगर हम इसी रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात करें तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर, इसको हम बाउंड्री बोलते हैं, इसको हम फेंस बोलते हैं, ठीक है। पेरीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 2l + b, यानी l प्लस बी का मतलब है लेंथ और ब्रेथ का प्लस किया, लेंथ और ब्रेथ का प्लस करने के बाद उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका पेरीमीटर आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या था, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल था, ठीक। तो पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल का, ठीक है, हम चाहें तो फॉर्मूले का यूज करके, ये फॉर्मूले हम उनका यूज करके भी कर सकते हैं। ऐसे ही हम अगर बात करें स्क्वायर की, ठीक है, स्क्वायर एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू साइड इनटू साइड एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 4 into side, ठीक है। अगर हमारा स्क्वायर है, जैसे सपोज ये रहा स्क्वायर, स्क्वायर क्या रहता है जिसकी सारी साइड कैसी रहती है, इक्वल रहती है, 5 5 5 5 ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड स्क्वायर, ठीक है। तो हम चाहे तो स्क्वायर का एरिया इस वाले फॉर्मूले का डायरेक्टली यूज करके साइड इंटू साइड, अगर हम साइड निकाल लें तो 5 into 5 25 square centimeter आ जाएगा, इस साइड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। आई होप ये समझ में आ ही गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में, ओके, इस चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो है उसमें मिलते हैं, ओके, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप इट वॉचिंग।